जय श्री श्याम दोस्तों, हम निकल चुके हैं फिर से। आज एकादशी है, एकादशी के उपलक्ष में आज निकल चुके हैं फिर से मनोड़ा के खाटू श्याम धाम पर दर्शन करने के लिए। आज बाइक से जा रहे हैं। आज एकादशी है जो कि खाटू श्याम में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो आइए चलते हैं मनोड़ा धाम की तरफ और देखते हैं वहां पर, तो आपको वहां के दर्शन कराते हैं। चलते हैं हम मनोड़ा धाम की तरफ। जय श्री श्याम दोस्तों, हम पहुंच गए मनोड़ा धाम पर और यहाँ पर आज होली खेली जा रही है। काशी से ही शुरू हो गई है होली। चलो देखते हैं धाम पर पहुंचकर कैसे होली खेली जा रही है, आपको दिखाते हैं मनोड़ा धाम की होली। दोस्तों यहाँ पर होली का बहुत ही ज्यादा आनंद में त्योहार मनाया जा रहा है और हम यहाँ पर आ चुके हैं मनोड़ा धाम पर। जय श्री श्याम। यह है धाम की होली, बड़े धूमधाम से यहाँ पे होली खेली जा रही है। सभी लोग होली मनाते हुए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे भी आए हैं और होली खेल रहे हैं। देखिए किस तरह से होली खेली जा रही है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर होली खेल रहे हैं। जय श्री श्याम। होली खेल रहे हैं ये लोग और भगवान श्याम कुंड पर बहुत मस्ती से स्नान करते हुए होली मना रहे हैं। ये देखिए कितना एंजॉयफुल है। श्री श्याम जय जय। ये तो नहाने नहीं जा रहा, उसको ऐसे उठा उठा कर लेके जा रहे हैं ये लोग और श्याम कुंड में स्नान करा रहे हैं। ये देखिए आप, बड़ी शिद्दत के साथ स्नान कराया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर होली कुछ इस अंदाज में मनाई जा रही है। अगर आप बरसाने में भी जाएंगे तो आपको इतना आनंद नहीं आएगा, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आनंद आपको जरूर आएगा। लेकिन अगर आप बरसाने नहीं जा सकते, वहाँ की होली के साथ आप नहीं खेल सकते, तो आप पास में खाटू श्याम मनोड़ा धाम पर आ सकते हैं, जहाँ पर होली कुछ अलग अंदाज में मनाई जा रही है। जो नहीं नहाना जा रहा है यहाँ का सेवादार, उसको लोग गोदी में करके लाते हैं और यहाँ पे एकदम बिठा देते हैं और नहला देते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि पास में किस तरह से लोग नृत्य करके बाबा श्याम को मना रहे हैं और उनके साथ होली को खेल रहे हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं उस भीड़ में जहाँ पे लोग बहुत ही धूमधाम से नाच कर भगवान श्याम को मना रहे हैं और उनके साथ होली खेल रहे हैं। जो जो स्नान नहीं कर रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है।
चलो चलो मनो ना गाम जहाँ विराजे बाबा श्याम, बनता बिगड़ा हुआ हर काम। I'm gonna go get some more.
जय श्री राम भैया। भैया धाम से ही है। नाम क्या नाम है? अच्छा आप सेवा जा रहे हैं, क्या नाम है आपका भैया? अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह, तो कितने समय से सेवा में भैया आप? मैं शुरू से ही सेवा हूँ। शुरू से ही सेवा, मेरी मूर्ति जब से मंदिर की स्थापना हुई, पूजन हुआ है। जी जी। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? मैं प्रॉपर यहीं के रहने वाले हूँ। यहीं के रहने वाले, तो मेहनती के आप काफी नजदीक होंगे। वैसे तो रिलेटिव हूँ। जी जी मेहनती के। जी, और जब से वो उन्होंने महंत बन गए, जी जी, तब तो कोई वो मतलब कोई रिलेशन नहीं होता, शिष्य और गुरु का रह गया है। अच्छा अच्छा, तो आप कोई होली पे? मेरे भाई हैं। अच्छा अच्छा, आपके मेरे भाई हैं मेहनती, तो होली पे कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप? होली पे यह है कि बाबा के आशीर्वाद सारे भक्तजनों पे, सारे श्याम प्रेमियों पे, सारे देशवासियों पे ऐसे ही बना रहे, कृपा हमेशा ऐसी बनी रहे। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। होली पर कुछ अलग अंदाज में यहाँ पर होली मनाई जा रही है, जो कि ये श्याम कुंड है, आपको दिखा रहे हैं, इसी में सबको स्नान कराया जाता है। यही वह कुंड है जहाँ से लड़की भाई जिंदा हुई थी, और ये देखिए इनको यहाँ पे स्नान करा दिया। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम, बताइए भैया आप कहाँ से हैं? मनोना से ही है। मनोना से ही है। सुना है कि आपका मेहनती से कोई खास रिलेशन है? मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं, अरे वाह, तो हमें बहुत धन हो गए हमको भैया आपसे मिलकर। गुरु जी से भी आज मिल गए और आज आपसे भी मिल रहे हैं, ऐसे संत लोगों से मिल गए दिन एक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो आपका सौभाग्य जो मनोना धाम आए। जी जी जी, मैं यहाँ पे जब से आ रहा हूँ तब से मेरे साथ लगातार चमत्कार होते रहे आ रहे हैं। मैं चैनल पर जैसे ही मैंने पहली वीडियो यहाँ पर बनाई, वो पहली वीडियो ने मुझे मेरा गुरुजी के आशीर्वाद से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लाइव समझा, आपने आशीर्वाद दिया। मैं ये जानना चाहूंगा आपके बड़े भाई हैं, आप कितने भाई हैं आप? हम पांच भाई हैं। पांच भाई हैं, तो आप कितने भाई यहाँ पे सेवा करते हैं? सभी लगे हुए हैं, यहीं पे धाम पे हैं। वैसे तो देखो हम भाई हैं, लेकिन हम उनसे हमारा भाई का रिश्ता नहीं है। गुरु और शिष्य का संत का रिश्ता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता है। बहुत बढ़िया, तो आप सभी कुछ खास संदेश चाहेंगे जो हमारे भक्तों के पास पहुंचे, कुछ ऐसा संदेश जो होली पे लोगों का कल्याण हो? सभी भक्तों को मनोना धाम की तरफ से होली की शुभकामनाएं। जी जी, और हम चाहेंगे बार बार आप मनोना धाम आए। जी जी, और यहाँ की कृपा के पात्र बने। जी जी, और हम चाहेंगे बार बार आए, जब भी आपको मौका लगे तब आप मनोना धाम आए और यहाँ की कृपा के पात्र बने, यहाँ के चमत्कारों का फायदा उठाए और मेहनती के आशीर्वाद बाबा श्याम की कृपा से लाभान्वित हो। जय श्री श्याम, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, आपका नाम क्या है भैया? बंटू गुप्ता। बंटी गुप्ता। हाँ जी जी, हमने सुना है कि इस धाम पे सबसे पहली दुकान आपकी थी यहाँ पर? हाँ जी, सबसे पहली दुकान भी मेरी है और सबसे पहली दंडवत भी मैंने की है। अच्छा अच्छा, दंडवत यात्रा आपने सबसे पहले? सबसे पहली दंडवत यात्रा मेरी है। अच्छा अच्छा, कितनी बार करी आपने? एक ही बार की है। एक के साथ कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। मैं तो साक्षात चमत्कार हुआ है, बाबा ने सपने में मुझसे कहा था दंडवत के लिए। अच्छा, फिर मैंने महन जी से पूछा कि बाबा ने मुझसे ऐसे सपने में दंडवत के लिए कहा? जी जी, तो महन जी ने आदेश दिया मुझे, तो मैंने सबसे पहले दंडवत की। तो आपने कहाँ से करी थी? अपने घर से की थी। अपने घर से, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ही मनोना धाम के। मनोना धाम के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर चमत्कार लगातार लोगों के साथ होते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप तो यहाँ पे देखते ही होंगे। यहाँ डेली चमत्कार होता है, डेली लाइव चमत्कार होते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई दिन नहीं आता यहाँ चमत्कार नहीं होता, यहाँ डेली चमत्कार होता है। कोई दिन ऐसा नहीं आता यहाँ चमत्कार नहीं होता है, और सब लाइव चमत्कार होता है। हाँ हाँ, ये तो है, यहाँ पे लाइव चमत्कार होते हैं, हम लगातार दिखाते रहते हैं भक्तों को। और ये दुकानें भैया जी की जो सबसे पहली है, दीवाना बाबा ने दिया है ये, और इनकी ठीक बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने इनकी दुकान है। आप आकर जब भी आए तो इनसे लड्डू गोपाल वगैरह के कपड़े भी यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पर माला वगैरह और गुरुजी के साथ फोटो भी भैया यहाँ पे बेच रहे हैं, आप ले जा सकते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।